कड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। तो फाइनली दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस के 10th पार्ट यानी फास्ट एक्स ने अपने 2 हफ्ते शानदार तरीके से कंप्लीट करके आज 17वें दिन में एंट्री मार लिया है और क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, बॉक्स ऑफिस पर कमा रहे। साथ ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में जॉन विक 4 जैसी दिग्गज मूवी को भी खदेड़ दिया है। तो आज जानेंगे कि मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन कितना कमाया, मूवी कैसी है, लोगों को ये 10वां पार्ट पसंद आ रहा है या नहीं, सब जानेंगे उस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी ऐसे जबरदस्त एक्शन एंटरटेनमेंट और कार स्किल से भरी फिल्मों के डाई हार्ट फैन है तब, और फास्ट एक्स का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 2001 से आज 2023 तक फास्ट एंड फ्यूरियस के हर पार्ट ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है और सुपर हिट का वो लेवल सेट किया है जहां बड़ी बड़ी फिल्में लाइक मार्वल, ट्रांसफॉर्मर सीरीज और डीसी की फिल्में क्रॉस करने के लिए तड़प। लेकिन जो स्टारडम, जो ग्लोरी इन्होंने सेट किया है वो अमेजिंग है। जी हाँ दोस्तों, एक्शन ड्रामा, फैमिली वैल्यू लेसन और कार्स स्किल की जबरदस्त हाईफाई तोड़ मरोड़ स्किल से भरी फिल्म फास्ट एक्स बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। रोज एक मोटी कमाई अपने खाते में रखते हुए जीत के झंडे गाड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को बहुत पसंद कराया जा रहा है। फिल्म में ईच एवरी सीन जनता को सीटियां और तालियां मारने पर मजबूर कर दे रहे हैं थिएटर में, और जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है पैसा वसूल करके निकल रहा है क्योंकि इस एक्शन मसालेदार सीरीज के सब दीवाने हैं। हां यह है कि ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक की कमी महसूस तो हो रही है, लेकिन जॉन सीना, जेसन स्टैथम और द मोस्ट अमेजिंग विलेन द साइकोपैथ जेसन ममोआ ने इस कमी को पूरी कर डाला है। साथ ही आपको एक बार और नया चेहरा ब्री लार्सन देखने को मिलेंगे। अगर आप ब्री लार्सन को नहीं जानते हैं तो कैप्टन मार्वल का जो रोल प्ले कर रही है ये वही है, बाकी कास्ट बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों आंकड़ा तो रोज ही चढ़ता ही जा रहा है फिल्म का। जी हाँ दोस्तों, बात करें इंडिया में कैसी ओपनिंग रही है फिल्म की, तो यस धमाकेदार ओपनिंग के साथ मूवी ने पहले 3 दिन में लगभग 42 करोड़ 30 लाख का स्ट्रॉन्ग होल्ड करा था और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज कलेक्ट करते हुए मूवी ने अमेजिंग छाप छोड़ी थी सिनेमाघर में। साथ ही अपने पहले ही हफ्ते में 79 करोड़ 40 लाख का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रखा था और दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी रिदम में करते हुए पहले 10 दिन में 88 करोड़ 50 लाख तक का जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रख लिया था और मार्वल की एंटमन 3 और जॉन विक 4 को इंडियन लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में खदेड़ दिया था। वहीं अपने 13वें दिन में 2 करोड़ 20 लाख, 14वें दिन में 2 करोड़, 15वें दिन में 1 करोड़ 19 लाख और कल यानी 16वें दिन में 1 करोड़ अपने खाते में रख लिया था। बात करें आज यानी 17वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस अपने 17वें दिन मॉर्निंग से ही अच्छी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ आफ्टरनून और इवनिंग में भी अपने काफी सोच घटाते हुए अब मूवी स्लो रफ्तार पे आ चुकी है। जी हाँ, एंड ऑफ द डे शायद से शायद 1.5 करोड़ के आसपास कमाई कर लेगी फिल्म और इसी के साथ शुरुआती 17 दिन के टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 103 करोड़ 79 लाख के ऊपर आंकड़ा सेट कर दी। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोग बताएंगे अगर आप लोगों ने भी फिल्म देख ली है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। दूसरा, जॉन विक 4 और फास्ट एक्स में बेस्ट मूवी कौन सी लगी आप लोगों को, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।